गुड मॉर्निंग व्यूअर्स आई एम सौरभ सिन्हा डायरेक्टर ऑफ अध्ययन पीठ एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो अब इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इंग्लिश के ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा आपके लिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगा आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है तो यदि आपने हमारे चैनल अध्ययन पीठ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी परेशानी आती है इस वीडियो में उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है हु और हुम तो हु और हुम में क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोगों सेंटेंस में हु और हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भरना होता है तो परेशानी आती है कि कहाँ पे हु डालें कहाँ पे हुम डालें ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं अब हु और हुम का जो डिफरेंस है ये समझना होगा आपको हु ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है हु जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और हुम हमारा इसका ऑब्जेक्ट है यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में होम डालेंगे और जहां सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वहां पे सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करेंगे अब इसका प्रयोग करते कैसे हैं वो देखिए किसी सेंटेंस में हम लोग जब एक से अधिक क्लॉज यूज होते हैं जैसे देखिए एक सेंटेंस है ही इज द मैन ही इज द मैन आई नो ज अ डॉक्टर इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें तीन क्लॉज है कितने क्लॉज पूरे हो रहे हैं मतलब कितने भर्व हैं इसमें ये हम लोग देखेंगे तो एक भर्व हमारा है इज दूसरा भर्व है नो और तीसरा भर्व है इज तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कि इस सेंटेंस में भर्व कितने यूज हो रहे हैं और जब भर्व की संख्या काउंट कर लेंगे जैसे कि इस सेंटेंस में तीन भर्व है अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने भर्व ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट मिला है और कितने भर्व ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट नहीं मिला है तो देखिए इस इज को जो सब्जेक्ट के रूप में ही मिल चुका है इस नो को सब्जेक्ट के रूप में आई मिल चुका है लेकिन हमारा ये जो इज इस है इसको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला है तो इसको सब्जेक्ट देने की आवश्यकता है तो सब्जेक्ट के रूप में कौन सा यूज होता है हु और हु में हु तो यहाँ पर हम लोग हु का प्रयोग कर सकते हैं सेम सेंटेंस में इसी तरह के सेंटेंस में यदि अगर लिखते हैं ही इज द मैन खाली स्थान होगा आई नो बस इतने पे सेंटेंस खत्म कर दे तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या है भर्व की संख्या एक है और ये दो है और इस दोनों ही भर्व को सब्जेक्ट मिल चुका है कि कोई भी ऐसा भर्व नहीं बचा जिसे सब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो यहाँ पर हम लोग हुम का प्रयोग करा के कर जैसे भी जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें आप यही चेक करेंगे कि सेंटेंस में कितने भर्व यूज़ हुए हैं यदि सारे भर्व को सब्जेक्ट मिल गया है तो आप हुम का प्रयोग करेंगे यदि एक किसी भी एक भर्व को सब्जेक्ट नहीं मिला है तो वहाँ पर हु डालना होगा तो यही है देखिए कितना आसान है ये बनाना इस तरह से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कॉमन एरर में आता है तो आप एरर में भी देख सकते हैं अगर मान लीजिए इस जगह पे होम डाल दिया गया है अगर इस जगह पे हम होम लिख दें तो ये कॉमन एरर हो गया अगर इसको फिलर्स में ले लें अगर ये भरने वाला आ जाएगा तो आप हु और हुम में से अगर इस रूल को जानते हैं तो डाल सकते हैं तो आप हु और हुम में से किसी एक को इस नियम के तहत यूज़ कर सकते हैं भर सकते हैं देखिए ये एक छोटा सा रूल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है तो मैं इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा रूल्स लेकर के आऊंगा वैसे तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें और भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु है विच है दैट भी यूज होता है तो मैं अपने अगले सेक्शन में अगले वीडियो में रिलेटिव कहाँ पर हु यूज करते हैं कहाँ पे विच करते हैं और दैट कब यूज करते हैं तो अगले वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ इस ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बहुत ही आपकी कमेंट की आवश्यकता है हमें आप कमेंट करें अच्छा लगा तो भी को लाइक करें और अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको इसमें समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और यदि ये कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में उस टॉपिक को दूं तो आप वो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद